हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक एग्रीमेंट की बात करने वाले हैं। अब कैसा एग्रीमेंट दोस्तों, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जब शादी हो जाती है तो इसके बाद पति और पत्नी के बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए दोस्तों, पति और पत्नी दोनों की हम बात कर रहे हैं, दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम आती है। पति के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कोई डिस्प्यूट बढ़ जाता है तो पत्नी के पास अपने राइट्स होते हैं, पत्नी उन राइट्स को यूज करती है तो वो पैनिक कर जाता है कि उसके पास भाई डोमेस्टिक वायलेंस को डालने का राइट है, सेक्शन 125 सीआरपीसी को डालने का राइट है, 498A को डालने का राइट है। वो जब अपने राइट्स को यूज करती है तो एक कॉमन आदमी जिसने सारी चीजें नहीं देखी वो अपने आप को स्टक महसूस करने लगता है। इसी तरह से दोस्तों बच्चों की कस्टडी को लेकर भी प्रॉब्लम आ जाती है जब दोनों पक्षों के बीच में विवाद होता है। इसी तरह से प्रॉपर्टी के लेके भी डिस्प्यूट हो जाता है, क्योंकि देखिए जब हस्बैंड और वाइफ होते हैं तो उनकी जो भी प्रॉपर्टी होती है वो बहुत गुड फेथ में ली जाती है। कई बार ऐसा होता है दोनों जॉइंट कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं, उसमें हस्बैंड का पैसा भी होता है, वाइफ का पैसा भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड का पूरा पैसा लगा होता है पर वो गुड फेथ में जॉइंट में अपनी वाइफ का नाम भी रखता है। कई बार वाइफ का ज्यादा पैसा लगा होता है लेकिन वो गुड फेथ में हस्बैंड का नाम भी रखती है। कई बार दोनों लोग मिलकर के अपनी अपनी अर्निंग से घर का कुछ सामान बनाते हैं। तो कुल मिलाकर के पति पत्नी एक ऐसा रिश्ता है कि कम से कम हम इसमें ट्रस्ट रख के चलते हैं। कोई भी व्यक्ति, आज आप पूरे इंडिया में देख लीजिए या कहीं पे भी देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसकी इंटेंशन ये होती है कि पत्नी के नाम पे खरीद ले, तो वो पत्नी के नाम पे ही खरीदता है क्योंकि माता पिता बुजुर्ग होते हैं। फिर उसको ये ख्याल ये आता है कि कल को जब ये लोग चले जाएंगे फिर इन प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर कराएंगे, एक रीजन ये भी होता है। दूसरा एक इमोशनल जुड़ाव भी होता है, तो सारी प्रॉपर्टी अधिकतर आदमी पत्नी के नाम से खरीदता है, कई बार ज्वाइंट खरीदता है। इसी प्रकार से लेडीज का भी होता है कि लेडीज भी अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदती है तो कई बार ज्वाइंट खरीद लेती है अपने पति के साथ। तो इसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर डिस्प्यूट हो गया तो फिर इस प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसा होगा। ये तो फिर वही हो गया, जिसके नाम टाइटल होगा प्रॉपर्टी उसी की है। अगर पत्नी के नाम प्रॉपर्टी खरीदी गई है तो प्रॉपर्टी पत्नी की होगी, फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते भले ही पैसा आपने लगाया हो। इसी प्रकार से पत्नी ने अगर कुछ पैसा लगाया है लेकिन प्रॉपर्टी में हस्बैंड का नाम भी है तो वो 50% हकदार उसमें बन गया। तो दोस्तों इस तरह की अनेकों प्रॉब्लम्स, और कई बार करियर को लेकर प्रॉब्लम होती है, कई बार शहरों को लेकर प्रॉब्लम होती है। लाइक हस्बैंड रह रहा है किसी छोटे शहर में, वाइफ कहती है कि नहीं मैं बड़े शहर में जाके रहना है, वो छोड़ नहीं सकता अपना काम, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कई बार वाइफ के करियर को लेकर के बात होती है कि वाइफ कोई नौकरी कर रही होती है, हस्बैंड कहता है नहीं भाई नौकरी छोड़ दो, घर में आ जाओ, घर में बैठो, घर संभालो, क्योंकि चल नहीं पा रहा है ऐसे, बच्चे भी हैं, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों इसलिए किसी का भी करियर है तो उसे छोड़ना इतना आसान नहीं होता, चाहे वो लड़के का हो चाहे वो लड़की का हो। तो ये सारी चीजें अगर शादी से पहले ही तय हो जाए तो चीजें आसान हो जाएंगी। तो इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इसी एग्रीमेंट की बात करने वाला हूं। आज मैं बात करने वाला हूं प्रीनप्शियल एग्रीमेंट की। प्रीनप्शियल एग्रीमेंट आपके लिए क्या फायदा आपको दे सकता है, इसको करने की प्रक्रिया क्या है और ये कितनी कानूनी वैल्यू रखता है, सारी चीजों पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं इस प्रकार की कोई वीडियो लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अब दोस्तों ये जिस एग्रीमेंट की आज हम बात कर रहे हैं, प्रीनप्शियल एग्रीमेंट, दोस्तों ये इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, इंडिया के बाहर इस तरह के एग्रीमेंट चलते हैं। अब इसका मेन कारण क्या है, पहले भी मैं कई वीडियो में बता चुका हूं, क्योंकि हमारे भारत में जो शादी का बंधन है उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता, उसको कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं माना जाता, उसको एक संस्कार माना जाता है और उसको बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त है। वो बात अलग है कि आज विवाह में क्या हो रहा है सब जानते हैं, लेकिन विवाह संस्कारों को हमारे भारत के अंदर बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है और जन्म जन्म का साथी से माना जाता है। और फिर भी अगर आज के समय पे आप देखो तो अगर आप शादी करने जा रहे हो तो उस समय थोड़ी ना आप सोचते हो कि कुछ समय के बाद आप पे डिस्प्यूट हो जाएगा या फिर जो है इस प्रकार की प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ेगा, या सोचते हो, किसी के लिए भी सोचना बहुत मुश्किल होता है उस समय पे। उस समय तो वो खुश होता है, खुशी का माहौल होता है, खुशी खुशी शादी होती है, वो नहीं सोच पाता कि मैं पहले से ही जो है डाइवोर्स के लिए एक एग्रीमेंट कर लूं। हमारे यहाँ के कुछ संस्कार ऐसे हैं, हमारे यहाँ पे हवा में ये चीजें भरी हुई है कि शादी से पहले कोई अगर कहेगा भी तो दूसरा आदमी उसको चुप करा देगा, भैया क्या बोल रहा है तू, शुभ शुभ बोल। तो इस तरह की चीजें हैं। लेकिन दोस्तों अब जो सच्चाई है वो भी किसी से छुपी नहीं कि शादी के बाद किस तरह की चीजों में सब फंस रहे हैं। तो इससे तो बेहतर यही है ना कि लड़का और लड़की दोनों इस प्रकार का कोई एग्रीमेंट कर लें जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन आ जाए, ताकि कल को कोई प्रॉब्लम ही ना हो। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर ये जो एग्रीमेंट होता है इसको कोई भी दो अडल्ट लोग कर सकते हैं जो कि अच्छी मानसिक स्थिति में है, और इसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी शर्तें आप लिखवाते हो वो आपके बहुत काम आ सकती हैं। अब दोस्तों ये जो एग्रीमेंट होता है इस पे दोनों पक्षों की फ्री कंसेंट होनी चाहिए, यानी किसी दबाव में एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, अपनी अपनी इच्छा से दोनों लोग इस पर साइन करें और उनके साइन को अलग अलग दो एडवोकेट के द्वारा वेरीफाई भी किया जाए, उसके बाद उस पूरे एग्रीमेंट को नोटराइज कराया जाए।
अब इस एग्रीमेंट का कंटेंट क्या हो सकता है दोस्तों? इस एग्रीमेंट में आप पहले से ही पति और पत्नी दोनों की एसेट्स और लायबिलिटीज को शो कर सकते हैं, उनकी सोर्स ऑफ इनकम दिखा सकते हैं और शादी में जो भी शर्तें उनके बीच में तय हो रही हैं वो सारी दिखा सकते हैं। ऑब्वियसली डाउरी देना और लेना दोनों अपराध है, तो उसके अंदर कहीं भी आप ये नहीं लिखेंगे कि मैं इतना डाउरी दे रहा हूं या ले रहा हूं, क्योंकि ये चीज तो वैसे भी गलत है, तो फिर डाउरी का मसला भी नहीं आएगा। बल्कि आप उसमें ये लिखवाएं कि किसी भी प्रकार का दान दहेज नहीं लिया गया है, क्योंकि दान दहेज लेना एक बुरी प्रथा है और ना आपको दान दहेज लेना चाहिए ना आपको दान दहेज देना चाहिए। क्योंकि जब आप दान दहेज देते हो, कई बार होता है लड़की वाले सक्षम होते हैं और वो अपनी मर्जी से अच्छा लड़की को दे देते हैं। अब इसका बैड इम्पैक्ट क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति जिसकी बेटी है और वो गरीब है वो अपनी शादी करता है, तो वो लोग भी वही एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई देखो फला फला की बेटी ने तो इतना दिया था, और उसको सुनना पड़ता है फिर कि उसकी बेटी को तो उन्होंने इतना दिया था और तुम्हारे पापा ने तुम्हें दिया ही क्या है। तो इस तरह की चीजें आ जाती हैं। तो अगर आप सक्षम हैं और अपनी बेटी को दान दहेज दे रहे हैं तो भी वो कई लड़कियों के लिए मुसीबत बनता है, क्योंकि उस दान दहेज की वजह से कई और लड़कियां जिनके माता पिता दान दहेज नहीं दे सकते उनको सुनना पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों इस चीज का भी आपको ख्याल रखना है। इसके अलावा दोस्तों आप इस एग्रीमेंट में प्रोविजन कर सकते हो कि शादी के बाद यदि दोनों पति पत्नी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो किस तरह से होगी। ज्वाइंट बैंक अकाउंट के संबंध में प्रोविजन कर सकते हो, कोई लॉकर में कोई सामान रखा है उसके लिए प्रोविजन कर सकते हो, और कोई लिमिट नहीं है। जो भी आपको लगता है कि कल को ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उन सारी शर्तों को आप इस एग्रीमेंट में लिखवा सकते हो। अब दोस्तों जैसे आप सभी कहते हो कि कानून में समानता होनी चाहिए, तो जो ये एग्रीमेंट है ये आपको ये बेनिफिट देगा कि इसमें समानता रहेगी, क्योंकि सारी चीजें बिल्कुल खुल के लिखी हुई हैं। मेंटेनेंस के बारे में प्रावधान किया गया है, बच्चों की कस्टडी के बारे में आपने इसमें लिखा है, प्रॉपर्टीज के बारे में आपने इसमें लिखा है, तो कल को कोई भी डिस्प्यूट होगा तो ये दोनों का साइन किया हुआ प्रॉपर फोटो लगी हुई एक एग्रीमेंट आपके पास रहेगा जिसका आप रेफरेंस ले सकते हैं। अब दोस्तों इस प्रकार के एग्रीमेंट जो हमारे यहाँ पे होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही कवर्ड होते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई भी अलग से कानून अभी तक नहीं है। हाँ, हालांकि हाईकोर्ट राजस्थान में इस प्रकार की एक PIL लगी हुई है जिसमें कहा गया है कि इस प्रकार के एग्रीमेंट के लिए कानून होना चाहिए, लेकिन अभी इस PIL पर कोई डिसीजन नहीं आया है। इस PIL पर डिसीजन आना बाकी है। अगर इस पर डिसीजन आ जाता है और फेवरेबल आ जाता है तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा मेरे हिसाब से कम जो इस विवाह संस्कार में पढ़ने वाले हैं वो लोग इस एग्रीमेंट को करके उसमें जाएंगे तो उनके लिए बहुत फायदा हो जाएगा। और अगर प्रॉपर कानून होगा फिर तो बात ही क्या है, वो कई सारी परेशानियों से बच सकते हैं। अब दोस्तों इस एग्रीमेंट से ये भी बेनिफिट होता है कि यदि पति और पत्नी ने मिलकर शादी के बाद कोई बिजनेस शुरू कर लिया और बाद में उनके बीच में विवाद हो गया और वो अलग अलग हो गए हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज का बंटवारा कैसे हो, और कई बार तो बिजनेस ही बंद हो जाता है। तो ये सारी चीजें भी अगर पहले से मेंशन है तो सबको पता होगा कि मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं और उसके अनुसार चलेगा तो वो बिजनेस भी बंद होने से बच जाएगा। और दोस्तों ये ध्यान रखिए, इस एग्रीमेंट के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं जोड़ी जाएगी जो कि एक्ट से बाहर हो। एक्ट से मतलब यदि आप हिंदू हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट से बाहर हो। हिंदू मैरिज एक्ट में देखिए डायवोर्स के जैसे कुछ ग्राउंड बताए गए हैं, अब आप अपनी मर्जी से कोई ग्राउंड इसमें डालने लगते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा। और साथ ही साथ एग्रीमेंट में ये जरूर लिखा दें कि यदि इस एग्रीमेंट का कोई भी पार्ट फ्यूचर में वैलिड नहीं पाया जाता है तो उस पॉइंट को छोड़ के बाकी का पूरा एग्रीमेंट जो है वो वैलिड रहेगा। अब दोस्तों समझ लेते हैं कि आज के समय पे इस एग्रीमेंट की क्या पोजीशन है। देखिए दोस्तों ये जो एग्रीमेंट है ये किसी के भी अधिकार को खत्म नहीं करेगा, यानी कि पत्नी का अगर अधिकार है कि वो DV का केस फाइल कर सकती हैं या 125 का फाइल कर सकती है, मेंटेनेंस मांग सकती हैं, तो वो अधिकार उनके बने रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इस एग्रीमेंट से उनके अधिकार खत्म हो जाएंगे। या फिर पति के भी जो अधिकार है कि कुछ ग्राउंड्स पर वो डाइवोर्स ले सकता है या सेक्शन 9 फाइल कर सकता है, ये सारे अधिकार भी बने रहेंगे, इन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल इतना है कि जब आप उस पिटीशंस में कुछ गलत चीज लिखोगे, कोई फॉल्स स्टेटमेंट करोगे, तो उस एग्रीमेंट का हवाला लिया जा सकता है कि ये तय हुआ था, देखिए इसमें डाउरी नहीं है लेकिन अब डाउरी बोली जा रही है। और बहुत सारी चीजें जो आपने उसमें पहले से मेंशन करी है उन सबका रेफरेंस लिया जा सकता है जब तक कि इस पर कोई प्रॉपर कानून नहीं आ जाता। तो दोस्तों फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अपने बच्चों की फ्यूचर में शादी कर रहे हैं तो इस प्रकार का प्रीनप्शियल एग्रीमेंट एक कर लें, उसमें सारी शर्तें डाल दें। और तो दोस्तों आपको कहना चाहूंगा कि यदि आप अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप प्रीनप्शियल एग्रीमेंट करा लें, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ फायदा ही मिलेगा, नुकसान तो कोई भी नहीं है। क्योंकि इनिशियल लेवल पे दोनों ही पार्टी एक दूसरे के लिए पॉजिटिव होती हैं, तो जो भी वो उसमें लिखेंगी वो सच्चाई ही लिखेंगी और वही सच्चाई फिर बाद में विवादों में आपके काम आएगी। तो दोस्तों ये थी मेरी आप सबको आज की लीगल जानकारी। ऐसी ही नई लीगल जानकारियां मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।